आज छठ पूजा का समापन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला ये महापर्व छठ पूजा आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है बहुत ही श्रद्धा के साथ। तो इस महापर्व को हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हम सारे शरीक हुए और बहुत एंजॉय किया। तो दिल को छू जाने वाला ये महापर्व छठ पूजा की वीडियो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी बिहार के कल्चर से रूबरू होने का मौका मिले। तो चलिए देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा हमें। तो एंजॉय कीजिए। छठ पूजा के बारे में हमारी प्यारी आंटी विस्तार से बताएंगी, ध्यान से सुनिएगा। और सूर्योदय होते ही उस लालिमा का हम लोग पूजा करते हैं कि पूरा संसार उन्हीं से ज्योतिमय है, अगर वो नहीं रहे तो पूरा संसार अंधकार में है।
और किसी देवता को हम आंखों से नहीं देखते हैं, सिर्फ यही एक सूरज है, देव है जिनको हम आंखों से देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं। पूरे हमारे पूरे माने जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए चार दिन का जो ये व्रत है उनकी आराधना अनुष्ठान किया जाता है ये कार्तिक महीने में। तो आंटी ने समझा दिया है बहुत अच्छे से, है ना, सबको समझ में आ गया। और अब आंटी द्वारा गाया गया छठ का प्यारा सा गीत सुनिए आप लोग। जल थल से मिला चरण रे छठी मैया दर्शन दीहिया पार, छठी मैया भेट ली हमार, मांगू मांगू ते वही कावा। छठी मैया पूछ रही है माने तुम इतना इससे हमको आराध के बैठी हो तो मांगो क्या मांगो कुछ मांगू मांगू ते वही कावा, फल मांगे मांगू मांगू ते वही कावा, फल मांगे जे तो हृदय में समा, छठी मैया दर्शन लिया पा, छठी मैया भेट ली ससुर में मांगी लायन धन लक्ष्मी, ससुर में मांगी अन धन लक्ष्मी, नैहरा में सहोद छठी मैया दर्शन दे हुआ पा, छठी मैया भेट ले हुआ रे छठी मैया। तो आंटी द्वारा गाया हुआ छठ का ये प्यारा गीत आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत खुशी होगी हमें। और कैसा लगा ये हमारा प्यारा सा छठ पूजा का वीडियो कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हमारे बिहार के कल्चर से जुड़ने का मौका मिले, रूबरू होने का मौका मिले। तो सोच क्या रहे हैं, शेयर कीजिए। तो सब लोग पूजा करके जा चुके हैं और देखिए काफ़ी खाली हो चुका है, कुर्सियाँ भी सारी साइड में रख दी गई है और कुछ लोग अभी यहाँ पर रहेंगे, रात को रुकेंगे क्योंकि रात को रुकना ज़रूरी होता है। तो चलिए सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया और अब थोड़ा सा दिखाएंगे आपको गार्ड भैया हमारे जो निगरानी रखेंगे यहाँ पर, तो बैठे हुए हैं गार्ड भैया की ड्यूटी लगी है क्या यहाँ पे, ड्यूटी लगी आपकी? अच्छा 8 बजे तक यही पे नाइट वाले हैं। अच्छा जैसे कुत्ते ना आ जाए। हाँ ये बात है, थोड़ा सा करना पड़ेगा ये तो 8 बजे के बाद कोई और आएंगे? अच्छा दूसरी टीम आ जाएगी, बढ़िया। तो हेलो गार्ड भैया, हेलो कर दीजिए, यूट्यूब पर आने वाले हैं आप। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।